आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। मुआशरे के खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। दो दिन कबल नादिया बेगम नामी खातून अपने भाई को शमशाबाद एयरपोर्ट छोड़कर अपने शोहर के साथ वापस घर जा रही थी, जिसका नाम गुलाम हैदर है। तभी अचानक सड़क पर कुछ नामालूम अफराद ने इन पर हमला कर दिया और गुलाम हैदर नामी शख्स को पीटने लगे। नादिया बेगम ने फौरन बालापुर पुलिस स्टेशन को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर वहां पहुंचे, तब तक ये लोग फरार हो चुके थे। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। नादिया बेगम ने क्राइम टुडे न्यूज से बात करते हुए तफसीलात बताई। एम ए हमीद के साथ मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। नादिया सुल्ताना है और मेरे हस्बैंड का नाम गुलाम हैदर है। हम लोग एयरपोर्ट से छोड़कर भाई को आ रहे थे कि हसन बारकबा ने हमला कर दिया घर के करीब ही। किस लिए हमला करे नहीं पता। गाड़ी रुका कर हमला करना शुरू कर, गाली गलौज देना शुरू कर दी। कितने बजे हुआ है ऐसा? 2 बजे के बाद हुआ रात जी। गाड़ी पे से उतार कर जैसे मारना शुरू करे, मारम पेटी लातों से शुरू करे। और क्या करे? तू कौन है बोल के पूछे तो मैं हस्बैंड वाइफ हूँ बोलकर बोली जी। उसके बाद जैसे जंबिया निकाले बाद में मैं चीखना शुरू कर दी। आदिल की बहन हूँ मैं, मेरे को बचाओ बोलो। कहीं को चीख रही थी, कहीं को पुकार, खामोश बैठ बोलकर बोली। उसके बाद बाजू वाले आकर बोले कि इन लोग पहचानने के लिए बोले तो भी मैसेज कर रहा था, गाड़ी को मारना स्टार्ट कर दिया। मैकेनिक आके जैसे फिर उन्होंने ज़रा समझा तो खामोश बैठा। उसके बाद भी मैसेज मार रहा था तो मैं मम्मी को फ़ोन करी। मम्मी आकर जैसे भी बोले तो मम्मी भी साथ में लेकर आए थे, उन लोगों को मारना शुरू कर दिया। सच की तलाश का नाम आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।